नमस्कार। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि तबले के 10 वर्णों को किस प्रकार से बजाया जाता है, उन्हें अभ्यास कैसे किया जाता है। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो अलंकार बने हैं, ये प्रारंभिक स्टूडेंट के लिए कि किस प्रकार से उन्हें आगे बढ़ाया जाए। आइए अभी इन्हीं बोलों को लेकर हम ताल की ओर चलते हैं, जो कि विद्यार्थी आगे के लिए बढ़ सके। तो सर्वप्रथम हम ताल देखते हैं, जो कि कॉमन ताल के रूप में होती है, दादरा, कहरवा, रूपक, झपताल, तीन ताल। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं दादरा ताल। दादरा ताल में 6 मात्रा होती है, विभाग 2 होते हैं, ताली 1, खाली 1 और बोल होते हैं धा धिन्ना धा तिन्ना। ताली इस प्रकार से होती है धा दिन ना धा तिन ना। अब चूंकि ये ताल का पाठ हम शुरू कर रहे हैं, तो ये मैं बताना चाहूंगा कि जो ताली लगाते हैं यहाँ पे पहली मात्रा काउंट होती है, तो 1 2 3। अब ये ताली पे ही हमने गिनी तो ये विभाग के रूप में प्रदर्शित की जाती है, जिसमें ताली वाला भाग है 3 मात्रा का और 3 मात्रा यहाँ खाली, हाथ ऊपर उठाकर जो दर्शाते हैं वो खाली के रूप में आता है 4 5 6। तो काउंटिंग के आधार पर देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब बोल में देखिए धा धिन ना धा तिन ना, धा धिन ना धा तिन ना। अब इसको हम तबले पे निकासी देखेंगे, तो अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि धा हम सीख चुके हैं, धिन सीख चुके हैं, ना सीख चुके हैं। तो आइए तबले पर दादरा ताल की निकासी। धा चलते हैं। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, चूंकि मैं एक एक ताल आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर ये ताले आप अलग से देख पाए और उसको समझ पाए, तो हम रूपक ताल के लिए चलेंगे। रूपक ताल नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। नमस्कार।